कुकुर के बीमारी। एक बजे डेढ़ बजे रात तक व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब ये क्या इन करी नहीं सुझाओ इन्हें मुबला गुरे डेढ़ बजे दो बजे रात तक और आठ बजे दिन तक सोता सोता तो उनका मुंह सुबह देखिएगा लाख तो मुंह हम पड़े का फुटा ले बहुत देर से इत्मीनान से इंतजार में बैठे सामने इकराम पर्दे के पीछे बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहु बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अलाकिबतु लिल मुत्तकीन व सलातु व सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المكين المبين المعين الكريم من انا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हम सब नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अकीदत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफियाना व हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अली कया रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अली कया हबीब अल्लाह। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर और न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर और मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों में मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर क्यों क्योंकि हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जिलानी क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। मोहम्मद सिर वहदत रमज उसका कोई क्या जाने शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। साहेब खाना ने अकीका के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम एक मोहब्बत होती है बेटा हो बेटी लेकिन फिर भी लोगों की ख्वाहिशात जीते जी पूरी नहीं होती है। एक इंसान के पास अगर छह बेटा हो जाए तो वो सातवां बेटी के चक्कर में रहता है या अल्लाह एक बेटी हो जाए अगर छह सात बेटी हो जाए तो वो बेटा के चक्कर में रहता है कि या अल्लाह एक बेटा हो जाए होता है कि नहीं उसी तरह होता है। और किसी के पास अगर बेटा बेटी कुछ ना हो तो वो दोनों की ख्वाहिश में होती या अल्लाह हे मालिक ये कोई अनराग का नौ हो जाए ये ख्वाहिश होती है ये जिंदगी में पूरी नहीं होगी इसी बीच में जीना भी है और अपने आखिरत के लिए कुछ लेके जाना भी है छोड़ना घर द्वार है ले जाना आमाल है। अच्छा कोई मोबाइल कवर में लेके जाएगा कार एटीएम लेके जाएगा बैंक खाता लेके जाएगा कूलर हीटर लेके जाएगा कब्रिस्तान में जब जाएगा तो ये सब काहे छोड़ेगा लेके जा क्यों छोड़ेगा ले लो। ए बेटा अरे मुड़ तर मोबाइल रख दो रे ए बेटा अरे कूलर वाला के रख दो इन्वर्टर वो रख दो रे अनुराम कहाँ देखेंगे ऐसा होता है। इंसान धोखे में इंसान घाटे में है सोच बदलो तो समाज बदलेगा समाज बदलो तो सोच बदलेगा। आए साहेब खाना ने अकीका के नाम इतना प्रोग्राम अकीका सुन्नत है आपके घर में बेटा बेटी कुछ पैदा हो जाए तो सात दिन के अंदर अकीका कर दो सात दिन के अंदर ना जी यही ना हुक्म है। और अगर सात दिन में कमी है जोगाड़ जंतर नहीं है पैसा कौड़ी हाथ में नहीं तो 21 दिन में करो और अगर 21 दिन में भी नहीं जोगाड़ हुआ तो 40 दिन में करो
40 दिन में अगर नहीं हो पाया, लॉकडाउन लग गया, पैसा घट गया, तो 40 महीना में करो। भयाद गोतिया बोल चाल बन है, 40 साल में करो। लेकिन जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। बच्चा पैदा हो या बेटी या बेटा, अकीका करो, खुशी मनाओ। दोनों में पैदाइश में तकलीफ माँ को होती है, ऐसा नहीं कि बेटा बेटी में तकलीफ, दोनों में तकलीफ होती है। दोनों को दूध पिलाना पड़ता है, दोनों में उसको माँ बनना पड़ता है। तो एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल का है। समाज इतना गिर चुका है, बेटा पैदा होगा तो घर में रसगुल्ला भेज देगा, गमला में बोला, और 3-4 को लड़का फूत के अगर रसगुल्ला बांटेगा, क्या हुआ रे? मन के मुराद पूरा भे गेलो मौलाना साहेब, जेटा मोनाम सोच लिए लिए वो हटे भेल। और अगर बेटी हो गई तो रसगुल्ला छोड़ो, गुलगुल्ला से पूछिएगा क्या हुआ रे? किस्मत वे फूटल हो हमारे, क्या हुआ यार, की हतो मौलवी साहेब, वटे भेलो जेटा ने खोजे लियो। क्या हुआ यार, की हतो बेटी है। इतना गिर जाता है। सुनो, वो औरत किस्मत के धनी होती है जिस औरत के गोद में पहले बेटी पैदा होती है। एक बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, गाजी बने, पीर बने, लेकिन बेटे के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। और बेटी वो होती है जब माँ बनती है, अल्लाह उनके कदमों के नीचे जन्नत अता कर देता है। अब पूरी दुनिया की बेटा जन्नत तलाश करे, लेकिन जन्नत कहीं नहीं मिलेगी। अगर जन्नत तलाश करना हो, माँ के चरणों में आ जा, कदमों को देख ले, खिदमत कर ले, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। अच्छा, इतना ठंडा पार हो गया, किसी ने अपनी माँ को चुवन परा से एक डब्बा ला के दिया। एक माँ 9 महीना पेट में रखती है, 9 महीना, 3 साल हाथ में रखती है, 2.5 साल 2 साल दूध पिलाती है, रात में उठ के बच्चे को सीने से लगाती है। वो बेटा कभी सोचा कि माँ के लिए ठंडा में एक डब्बा चौवन परास भी ला के दे दें? कहे माँ, हम तो दूध की कीमत दे नहीं सकते। माँ, ये तू डब्बे का चौवन परास खा के खुश हो जा, आंचल उठा के दुआ कर, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, अगर तेरे दुआ साथ जाएगी तो मुसीबत कभी पास नहीं आएगी। करता है, अगर 5-6 बेटा है, माँ बेचारी बड़ी अरमान से पालती कि मेरा 5 बेटा है, 6 बेटा है, बड़ी खुशी मनाती है। लेकिन जब माँ बीमार पड़ती है, माँ कहती बेटा रे कहाँ जा रहा है? सारवा बल जा रहे हैं कि देवघर जा रहे हैं कि सारा अटबल? बेटा एगो सिरप ला देना रे, बड़ी तकलीफ होती है। बोल हमरे खाली सुझो नहीं लागने के पर तो बुढ़िया टुकुर टुकुर देखते रहे। और बीवी खाली कह दी, बोल फेर लबलिया ने हो पूरे खेलो, बोल जो नेच के ना दिशा पर ने जान पे तो जो होता। बीवी खाली फूसकेगी, बोल की बात हो? बोल हर लिख सुबह पिए लिया सटा फोर गया। बोल अच्छा अच्छा, यज के ना जी रहते हो नहीं? अजब अजब माहौल हो गया है।
और कहता मौलाना घर में बरकत चली गई। सुनो नौजवानों, अगर तेरे झोपड़ी में तेरी माँ खुश है, राजी है, मुस्कुराती माँ है, वो महल से बेहतर है, ताजमहल फीका है, तेरी झोपड़ी रोशन है, क्योंकि तेरी माँ झोपड़ी में खुश है। अगर एक झोपड़ी में मां खुश है, वो झोपड़ी ताजमहल से बड़ा है। और अगर संग मरमर घर में मार्बल है, टाइल्स है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन मां ना खुश है, बाप गम में डूबा है, वो महल झोपड़ी से बदतर है। हम उसे महल नहीं कहते, वो झोपड़ी से नादान है, जिस झोपड़ी में मां बाप परेशान है। भाग तो ही समझे, लूटी कूटी दू ही साफ जाप करो। निर्मोश लखन बैठा गया, अब जो बोलता हूँ को हरा गोरी कर, अब तो कुछ पेशाकुरी बचल हो ना, खाली जने ही सबके बचल है। होता है ना, थोड़ा सा ये होता ही ना। हम सोचे आज तकरीर कर देंगे, चूंकि ये महीना ख्वाजा ख्वाजगान फख्र हिंदुस्तान का, बोलेंगे थोड़ी देर, जब बुलाया है तो एक घंटा तो हमको बोलना होगा। हम 12:05 में बैठे हैं, नहीं नहीं 12:10 में बैठे हैं, तो मोटा मोटी हमको एक घंटा तो बोलना होगा, और एक घंटा आपको सुनना होगा। सुनिएगा एक घंटा, हाँ 2 घंटा, इंशाल्लाह 2 घंटा भी बोलेंगे, लेकिन एगो खटिया जुगाड़ कर लीजिए, सामने एगो खटिया इधर बिछा दीजिए, इतना कड़वा तेल लाके रख दीजिए, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जाते दे घर जा रहा है, इलाज पानी करिए, बल होश न आओ है। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे यही मसला। कल मुझको कटोरिया इलाके में 2 जगह बोलना, परसों फिर गोविंदपुर इलाके में 2 जगह बोलना, फिर 18 को ये क्या कहते हैं इधर खोरी महुआ राज धनवार जगह फिर 2 जगह बोलना। यही मेरे साथ मामला है हजरत, 1 घंटा के लिए आइए, लेकिन आइए, और मेरी उम्र ढलते जा रही है। ये जो जीठ जाट देखें जबरदस्ती, जान के धक अंदर से खत्म, इसलिए कि अल्लाह और रसूल का करम है कि पर डे जागने के बाद भी सेहत में तंदुरुस्ती है, क्योंकि मैं जिस हुसैन का सदका खाता हूँ उसी के नाना का गुन गाता हूँ। एक मर्तबा पूरा मजमा लहक के कहें या रसूल अल्लाह। मैंने एक शेर पढ़ा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती कलोरों की तकदीर देखी। ए ललुआडी के मुसलमानों, अगर आपके पास दौलत है तो कम से कम अपने भारत के राजा महाराजा खाजा के नगरी देख लो। खाजा की नगरी कभी जाके देख, जिस खाजा के दरबार में लोग जाने के लिए सोचता है। शायर कहता है कि इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते। नौजवानों, आपके पास अगर पैसा आ गया, पहले के दौर में नहीं था, अब अगर आपके पास कुछ दौलत है तो घर मकान बनाता ही हो, बनाओ, रहने के लिए जरूरी है घर मकान, लेकिन अपने माँ बाप के लिए कुछ सोचो। जिस बाप ने रात की तारीकी में, ठंडे में, गर्मी में तेरे लिए कमा कमा करके तुझे परवरिश करके जवान किया, उस माँ बाप को अगर बुढ़ापे के दहलेज पे पहुंच चुका है, तो आप कोशिश करें उस माँ बाप, उस बाप के लिए कि हम उसे कम से कम अजमेर दिखा दें। ए बाबा, तू अजमेर जा, और जा कर के वहाँ जा के दुआएं कर, हमारे घर से अगर बला टल जाएगी तो ख्वाजा का करम होगा, ख्वाजा का सदका होगा। एक बाप को चाहिए कि जिंदगी में बेटे के लिए सब कुछ किया, अब अपने लिए कुछ तो करो। मुसलमानों, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, खाट पे सोना होगा, कब्र में जाना होगा, अंजाम अच्छा होगा।
होगा, अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। आज हमारे घर की माएं तरस रही है, हमारे घर की, हमारे गांव की मस्जिदें वीरान है, मेरा बाप तड़प रहा है। आज मेरी बेटियां वीरानियत में आ गई है। हिजाब के मामले में पूरे भारत में नहीं देखा, एक बेटी के लिए पूरी दुनिया देखती गई। अल्लाह अकबर उन संगियों के बीच में कहा, आज पूरी दुनिया ने सर आंखों में बैठा लिया। आज मुसलमानों जरूरत है अपनी बेटियों को तालीम देने की, अपनी बेटियों को हिजाब में रखने की, ताकि जो संगी इसका ऐतराज करे उसका जवाब मिल जाए कि तुम ना इस्लाम मिटा सकते हो, ना निकाब मिटा सकते हो, ना अजान मिटा सकते हो, ना कुरान मिटा सकते हो, ना दीन मिटा सकते हो, ना मस्जिदें मिटा सकते हो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा कुरान न बदला जाए। मुसलमान को मिटाने वाले खुद मिट गए। एक आदमी आया था कुरान की आयत को निकालने के लिए, बोल 26 आयत को कुरान से निकाल देंगे। ये किसने कहा था? जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ रसीम वसीम रजवी। पहले वो था मुसलमान, बाद में बन गया हिंदू। पहले था मस्जिद वाला, बन गया मंदिर वाला। पहले था सजदा वाला, बन गया घंटा वाला। पहले था कुरान की तलावत वाला, बन गया हनुमान चालीसा वाला। पहले था टोपी वाला, बन गया टीका वाला। पहले था इमाम बाड़ा वाला, बन गया तुलसी पीड़ा वाला। पहले था जनाजा वाला, बन गया चीता वाला। पहले था इधर वाला, चला गया उधर वाले। क्योंकि तू इस्लाम क्या मिटाएगा, तू खुद मिट गया, तेरा नाम मिट गया, तू कुरान की आयत का निकालेगा। अल्लाह ने तुझे दीन से निकाल दिया, समाज से निकाल दिया, खानदान से निकाल दिया, मुसलमान नाम से निकाला, मजहब इस्लाम से निकाल दिया, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा कुरान न बदला जाएगा। लेकिन हम और आप कुरान घर में रखते हैं, पढ़ते नहीं है, रख रख के छोड़ दिया है। बीवी सब कुरान, बेटी सब जब आती ससुराल मैके से विदा होके, तो ये वो कुरान शरीफ लेके आती, कुरान शरीफ लेके आएगी और ला करके कहां रखती है, फिर दोबारा नहीं खोजती। सिंगार बक्सा सामने, याना सामने, कंघिया मुड़े तर, पंखवा गोड़े तर, लेकिन कुरान अलमारी बंद करके स्टेट करके लगा के चुपचाप। अगर एक दो खूटी में टांगल है तो बाप दादा कुरान शरीफ का गिलाफ लगा के मर गया, अभी तक बेटा गिलाफ नहीं बदल पाए। बापू लगे मोरल नतिया बुढ़े गलो तल देखो वहां कुरान शरीफ टांग लिए, मकरा जालू लग गया है। ऐसा हो माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और साहेब खाना के घर में जितने मेहमान आए हैं, जितने मेहमान, दामाद हो, समधी हो, बेटी हो, और भी उसके रिश्तेदार, जब भी प्रोग्राम अकीका का हो तो आप लोग सोच के आइएगा कि हमारा 150 टका मौलवी मौलाना दे दे दिए रहते, एक नाम भी कमा जावे, एक सवाब मिल जाते हर मेहमान को चाहिए। क्योंकि वहां जहां मेहमान आते हैं वहां बरकत आती है। मेहमान बाद में आता है, अल्लाह उनके नाम का दाना पहले भेज देता है। आज साहब खाना के यहाँ देखिए कितनी खुशी है, खाना पका है, जनरेटर जला है, खुशी हो रही है, क्योंकि आज सब मेहमान आए हैं। मेहमान चले जाएंगे अब वो बरकत नजर नहीं आएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, मेहमान आते हैं अल्लाह घर में बरकत अता करता है, और जहां रसूल की महफिल सजती है वहां रहमतें उतरती है। आज यहाँ देखिए कितना सुहाना लग रहा है, लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि यार रसूल की महफिल सजी है, मेहमान उलमा शोरा सब हैं, तो आज जमा जम रहमतों नूर की बारिश हो रही है। कल यहां ये सब नहीं होगा, कल यहां कुकुर भूकेगा, भूकेगा, क्योंकि कल रसूल की महफिल नहीं होगी।
वो लोग थोड़ा सोता है कुकुर। एक आदमी गया अपने पीर साहब के पास, किनके पास? इब्राहिम बिन अधम के पास गए। का हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। का कौन सी बात? का हजरत एक बात समझाइए, बकरी साल में एगो दूगो बच्चा देती है, और वो बकरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे भारत पूरी दुनिया में लोग खसी बकरी खाता है, कोई जबह करके कोई काट के लेकिन खाता है। और कुकुर कुत्ता साल में 5 गो 6 गो देता है बच्चा, कोई नहीं खाता है लेकिन बड़ी कम दिखाई देता है। और बकरी 2 ही गो साल में 1-2 गो बच्चा देती है, लेकिन घर घर में बकरी है, टाण में बकरी, खदियान में बकरी, पहाड़ी में बकरी है ना, ट्रक में बकरी, भूचर खाना में बकरी है ना, डेगची में बकरी, डेगची में घुस गलो हो ना, तो डेगची बकरी, इतनी बकरी बरकत क्यों? तब इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, ए मेरे चाहने वाले, तुम यही सुनना चाहते हो कि बकरियों में इतनी बरकत क्यों है और कुत्तों में बरकत क्यों नहीं है? तो सुनो, बकरियां रात में जल्दी सोती है और बकरियां सुबह को जल्दी उठती है। बकरी रात में जल्दी सोती है और बकरी सुबह को जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता रात में देर तक सोता है, देर तक जागता है और देर तक सोता है, इसलिए अल्लाह ने कुत्तों में बरकतें उठा लिया है। कुकुर रात भर दौड़ेगा, पटका पटकी फेटा फेटी गोरा गोरी, 2 बजे रात ले कुकुर लागल दौड़ रहा है, होता 2 बजे 1:30 बजे रात ले कुकुर दौड़ रहा है, मतलब रात भर वो देर से सोता है। कुकुर देर से सोता है एकदम। कुत्ता रात भर दौड़ेगा 1:30 बजे 2 बजे रात, जब थकी गोबर हो गेलो तब सोतेगा। और बकरी जल्दी सोती है, जल्दी उठती है। इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के वली फरमाते, इसलिए बकरियों में अल्लाह ने बरकतें रखी है। आपके घर में बकरी है? कल चेक करना, भी तो कल रात बहुत हो गई, कल मगरिब में घुसाना बकरी को हाल में, और मगरिब में घुसा के ईशा के टाइम में चेक करके देखना, सब बकरी सुतल, सब नीना आ गई है, पठरुआ भी कोनो में नीना ले। और फजर के अजान हो गया, गुहाल खोल के चेक करना, सब बकरी उठल है, सब खड़ी है, मैं मुंह निकाल बाहर बिहान भे गए, नहीं होगा तो आज है चेक कर लो सुबह, कल मगरिब के टाइम में गुहाल में चेक करना, मगरिब में बकरी घुसाओ 20 मिनट होते होते बकरी सब सूत जाती है, और फजर में अजान हुई सब बकरी उठ गई। लेकिन कुकुर देर तक जागता है और देर तक सोता है। अच्छा, कुकुर बिहाने दौड़े देख ले भोरे भोरे 5 बजे को जी काय, कुकुर रात भर थकल है बिहाने उठे परतो भोर। अच्छा, 5 बजे कभी भोरे कुकुर देखे, 4 बजे दौड़े देख ले, अजमा के देखे, कभी अजमाए नहीं मिलेगा भोरे कुकुर, इसलिए कि वो लोग 2-3 बजे रात तक जागते हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, कुत्ता देर तक जागता है, देर तक सोता है, इसीलिए कुत्तों में बरकतें चली गई। आज वो कुत्ते की बीमारी, कुकुर की बीमारी हमारे मुआशरे के नौजवान लड़कों में आ गई है, कुकुर की बीमारी। 1 बजे 1:30 बजे रात तक व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब ये ख्याल करी नहीं सुझाओ, इन्हें मोबला घुरे दो, 1:30 बजे 2 बजे रात तक जाता और 8 बजे दिन तक सोता। तो उनका मुंह सुबह देखिएगा, लागतो मुंह हम पड़े का फुटा ले रहे, हम लोग के पास आता है, हजरत मेरा लड़का रोगे गया है, हम बोले क्या करेंगे, रोगे फुसे गया है, 1:30 बजे रात तक जागेगा तो मुआ पड़े का तरफ उठेगा। इसलिए नौजवानों, जल्दी सोना, जल्दी उठना, बरकतें होती है।
जल्दी सो और जल्दी उठो। आज ये मुआशरे में चीज नहीं है। आज का लड़का लो मोबाइल, इतना छोटा बच्चा है तो मोबाइल। अच्छा चलने वाला छोड़ो, जो खटियाम है उनको मोबाइल, मोबाइल से चुप करता। शोहर कहीं जाने लगता, भी पूछती कहाँ जा रहे हैं, बोल दुकान तरफ जा रहे हैं, बोल मोबाइल घर हम रख ले। का है लेकिन बुतरू आठ दिन चुप कर रखो, बुतरू आठ दिन चुप कर। अब शोहर मोबाइल रख देता, बच्चा रोने लगता है, मोबाइल वीडियो देखे हाँ था, लड़का हंसने लगता है। उसके बाप आता है, देखता है बेटा हंस रहा है, बोलो उसकी माँ बोलती है, बोल छोड़ा बोल बड़ी जल्दी होशियार हो गया, यागो चल के कुछ है तो बहुत तेज बुझाए। बोल मोबाइल लकवा खोल दिल को, कलिए कल लकवा खोल लो, बोल तो तक लकवा लगाता होगा रहा। वही होता नहीं, पढ़ाता लिखाता मुसलमान थोड़ो है, स्कूल में कहाँ बच्चा जाए, नहीं जाता बच्चा, न मकतब में फ्री मौलाना लोग पढ़ाता इमाम लोग, वहाँ भी नहीं जाता है। आज माँ बाप परेशान है, मेरा बेटा बिगड़ गया, क्यों तूने कभी तालीम पे ध्यान नहीं दिया। आज तुम्हारा बेटा चूड़ी पहन रहा है तो तुम्हारी कौम की बेटियां संघियों के बीच में नारा लगा रही है। तेरा बेटा सिकड़ी पहन करके मोबाइल में गाना सुनता है, मुसलमान की बेटियां एहतजाज कर रही है निकाब के लिए। मुसलमानों कब सुधरोगे, आज कॉलेज में निकाब लगा के बंद कर दिया है, कल हॉस्पिटल में बंद कर देगा, परसों वोट देना बंद कर देगा। तुम्हारा बेटा सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक में सिर्फ जिंदगी तबाह किया है, सोशल मीडिया से जोड़ के कभी बहिष्कार किया, कभी एक पोस्ट लिखा, कभी मोबाइल में पोस्ट लिखो फेसबुक में कि एक पोस्ट लिख दे निकाब हिजाब के बारे में, नहीं लिख सकते हो, तुम्हारे वो इतना सोच नहीं है, तुमने कभी पढ़ाने को उस दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया। जब तुम्हारा बाप दादा चौक चौराहे पे बैठ के मौला आलिम के खिलाफ बकता था, भयाद गुतिया में फूट डालता था, उस वक्त उसका बाप अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाता था। जिस वक्त तुम्हारे खानदानी भयादी झगड़ा में तुम उलझे रहते थे, उस वक्त अपने बेटे को वो डॉक्टर इंजीनियर बनाता था। आज तुम कहते हो कि मौला कोर्ट में फैसला मुसलमानों के हक में नहीं होता, थाना में मेरी सुनवाई नहीं होती है, ब्लॉक जाते मेरा एप्लीकेशन नहीं लेता, क्यों? उस मिजाज का सब पूरे भारत में छा चुका है। तुमने अपने बेटे को कभी पढ़ाने की कोशिश नहीं किया। इसलिए लोगों, अगर बेटा बेटी जन्म ले ले, सुनो, 7 दिन में अकीका कर देना, अच्छा नाम रख देना, और जब वो बच्चा खाना खाने लगे तो